सोचा नहीं था कि एपिसोड में कुछ ऐसा होगा। डर्टी बिजनेस एपिसोड एक तरह से बोले तो ये सरप्राइजफुल एपिसोड था, जहाँ पे फाइनली बुचर को रियलाइज हो जाता है कि कैसलर भी हेलुसिनेशन का हिस्सा है और दोनों मिलकर बुचर के दिमाग को खत्म कर रहे हैं। तो जब तक बुचर अपने रिदम पे नहीं लौटता है तो एक्साइटमेंट वो फील नहीं आएगा। कैन नाइट के सिचुएशन के बारे में क्या ही बोलूं? ये एपिसोड के सीन में कुछ ऐसा हुआ जिसे तुम 50 Shades of Grey ही कह सकते हो। एंड मुझे शायद ज्यादा हैरानी नहीं हुआ कि इस एपिसोड का नाम डर्टी बिजनेस क्यों था, क्योंकि डर्टी बिजनेस एक्चुअल में पॉलिटिशियन के बारे में बताता है कि ये पॉलिटिशियन अपने फायदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये सीजन का मेन मोटिव भी पॉलिटिशियन जैसी चीजों पे ही बेस्ड है। इनफैक्ट अमेरिका का जिस तरह का पॉलिटिक्स दिखाया इस सीजन में, रेफरेंस हर जगह तुम देख सकते हो। बट कहते हैं ना कि तुम जिस चीज को मानना चाहते हो वो चीज तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा। एपिसोड 5 में समीर को किडनैप करने के बाद ये एपिसोड में पता चलता है कि वायरस दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। अगर ये वायरस बना लेते हैं तो समीर पूरी दुनिया में जितने भी सुपर हीरो है उसको मारना होगा और कुछ अपने लोग भी मारे जाएंगे। तो बुचर के पास प्लान भी क्या है? देखा जाए तो कुछ नहीं है। दूसरी तरफ फिंची ने भी खुद को सरेंडर कर दिया है। एपिसोड 5 के इस इवेंट के बाद से स्टारलाइट अपने पावर को यूज नहीं कर पा रही है और यहाँ पे हर एक सुपर हीरो के साथ ऐसा ही क्यों होता है। एग्जांपल में टोबी मेकर के स्पाइडरमैन को देख लो, कुछ ऐसा ही हुआ था उसके साथ भी, जहाँ उसे ऐसा लगता है कि वही जिम्मेदार है अंकल बेन के मर्डर का। एंड सेम सिचुएशन स्टारलाइट के साथ भी हो रहा है और लोग उसके फैसले से खुश नहीं है। एंड मोर इंटरेस्टिंग इस एपिसोड का ये लगा कि सिस्टर सेज अब नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि एमएम ने उसके सर पे गोली मार दिया था और जब तक उसके सर में गोली रहेगी तब तक वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। और यहाँ पे द बॉयज के पास टाइम मिल जाएगा प्लान बी बनाने का, क्योंकि अगर इन सीन को समझोगे तो होमलैंडर का पिच उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाता इन लोगों पे। पर न्यूमैन यहाँ पे लोगों को कन्विंस कर लेती है कि तुम्हें किसके साइड रहना चाहिए, लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि ये सारा कन्वर्सेशन द बॉयज को पता है। ओवरऑल छोटे मोटे बातों पे नजर डाले तो यहाँ पे एमएम को माइनर हार्ट अटैक आता है। सेकंड ह्यू के फादर को इस एपिसोड में मार देना पड़ता है, क्योंकि एपिसोड 5 में जो कुछ हुआ उसके बाद ये डिसीजन लेना पड़ा था कि उसे ओवरडोज के थ्रू खत्म कर देना चाहिए। पता है कि किसी के लिए भी उतना ठीक नहीं होता है, पर ये डिसीजन ह्यू को एपिसोड के एंड में रियलाइज होता है। भाई अब उसकी फट रही है। एड्रेन फाइनली एमएम को हॉस्पिटल ले जाता है एंड ये सीन एड्रेन को मोटिव देता है कि उसे किससे साइड रहना चाहिए। जो प्लान और कन्वर्सेशन हुआ है उसे ब्रेकडाउन किया जाएगा इन दो एपिसोड में। बट ह्यूई को बचाने के लिए जब स्टारलाइट और कमिको जाते हैं तो केन नाइट होमलैंडर और सिस्टर सेज के मास्टर प्लान को रिवील कर देता है कि अगर न्यूमैन की सरकार आती है तो जितने भी लोग सुपर हीरो के खिलाफ बोल रहे हैं उसे जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उसे मार दिया जाएगा। और हम सबको पता है कि केन नाइट एक प्योर डिटेक्टिव है एंड इस एपिसोड में जिस तरह का लाइफस्टाइल दिखाया है ये कहीं ना कहीं रेफरेंस था बैटमैन से, ऐसा कह सकते हैं। वैसे फायर कैकर इस एपिसोड में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाली है। 7 में ज्वाइन होने से पहले वो क्या थी? एक नॉर्मल लोगों के बीच में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और पॉलिटिकल बातें करती थी। उसे बड़े लोगों के बीच में रहना था, भले ही बड़े लोग उसे एक्सेप्ट करें या नहीं। एंड इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहाँ पे वो 7 का मेंबर तो बन गई लेकिन उसके साथ वैसा ही बिहेव किया जा रहा है जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, और इसीलिए वो सबसे पावरफुल पर्सन के पास गई और उसे कुछ ऐसा करना पड़ा ताकि अब उसको रेस्पेक्ट मिले और बड़े लोग उसे नजर नहीं मिला सके। एंड हम सब जानते हैं कि होमलैंडर मदर बिल्क से कितना ऑब्सेस रहता था, जो फायर क्रैकर ने किया है तो होमलैंडर अब फायर क्रैकर के हिसाब से चलेगा, ना कि सिस्टर सेज या फिर न्यूमैन। एट द एंड एपिसोड ठीक था। एमएम को हार्ट अटैक आने के बाद शायद वो आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं, बट चांसेस कम है कि वो ऐसा करेगा। लेकिन बुचर के इनर कॉन्सिक्वेंसेस को अंदर ही अंदर गुड वर्सेस बैड जैसे सिचुएशन को क्रिएट करना ये पॉसिबली सच में जबरदस्त तरीके से दिखाया था, क्योंकि अगर तुम लोग सोच के देखो बुचर समीर को किडनैप करता है और उसका पैर काट देता है वो किसी कहने पे किया होगा, ऑब्वियस सी बात है जोई कैसलर। बुचर के पास बहुत ऑप्शन था कि न्यूमैन को ये बता सके कि समीर मारा चुका है एंड न्यूमैन भी उस चीज को देख के कंफर्म कर सकती थी, क्योंकि अगर बुचर ऐसा क्यों करेगा किसी को टॉर्चर जब बात इंसान की हो तो। वेल काफी इंटरेस्टिंग हो गया ये सीजन और आने वाले एपिसोड में क्या होता है। अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देख लिया है तो तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।